लास्ट टाइम हमने किया था एलिगेशन मेथड, और अब जो आगे आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो आइसोटोनिसिटी के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक करेंगे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते क्या हैं। आपने इसमें बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा होगा कि तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। सपोज कर लिया इनमें ये सॉल्यूशन है आइसोटोनिक। आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन होता क्या है। अगर आप सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। जब इनकी टोनिसिटी की बात हो रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब मतलब कि कंसंट्रेशन की बात हो रही है। कंसंट्रेशन अगर मान लो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटॉनिक तो इट मींस उसमें क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होती है या तो सॉल्यूट की ही, सॉल्वेंट की नहीं, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम ज़्यादा होती है तभी वो सॉल्यूशन हाइपरटॉनिक होता है या हाइपोटॉनिक होता है। ठीक है, हाइपर जहाँ पे हाइपर वर्ड आ जाता है, हाइपर मींस ज़्यादा होना, ठीक है, हाइपर हाइपो मींस कम होना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर मान लो हाइपर की बात आ रही है तो कंसंट्रेशन मतलब कि ज़्यादा होगी। अगर कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा होगी, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कब ज़्यादा होगी, जब सॉल्यूट ज़्यादा होगा। सॉल्यूट जैसे इसमें एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया हमने, जो सॉल्यूट है वो क्या है, शुगर है। ठीक है, और सॉल्वेंट क्या है, इसमें सॉल्वेंट है वाटर, H2O। ठीक है, ये सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट। ठीक है, इसको मिलकर एक सॉल्यूशन बना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमने ये बताना है कि हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन और हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस है। जब कंसंट्रेशन हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ज्यादा होती है। ये कब ज्यादा होगी, जब सॉल्यूट या तो कम होता है या ज्यादा होता है। ये सॉल्वेंट में कम ज्यादा नहीं होता, ये सिर्फ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम ज़्यादा होने से ही वो हाइपरटॉनिक या हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, तो और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन वैसे रहेगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी ज़्यादा होगी तो सॉल्वेंट कम हो जाएगा, सॉल्वेंट कम। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन है हाइपरटॉनिक। सपोज कर लिया, अब इसमें हमने आरबीसी रखा, कोई सेल का एग्जांपल ले लिया, आरबीसी रेड ब्लड सेल रखा, तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसकी हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के लिए ये इक्विलिब्रियम गेन करेगा, जिसके कारण क्या होगा, जो इसमें जो सॉल्वेंट है वो इसके अंदर मूव करेगा ताकि कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम बन जाए। ठीक है, मूवमेंट हमेशा किसकी होती है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स की होती है, सॉल्यूट की नहीं होती। ठीक है, तो वो इसके अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली जब इसकी कंसंट्रेशन में इसके अंदर जाएगा तो वो आरबीसी क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। ठीक है, ये हो गया हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद अगर हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगी, हाइपोमी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है। इसकी कंसंट्रेशन कम है तो ऑब्वियसली जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन में क्या होगी, कम होगी। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, यानी अब इस हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन में क्या है, इसमें ठीक है हाइपोटॉनिक, इसकी कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, अब इसकी कंसंट्रेशन इसके अंदर भी आरबीसी रखेंगे, ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन कम होने के लिए ये इससे सॉल्वेंट लेगा। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, श्रिंकेज। ये आपको बस जस्ट बताया गया है कि हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन क्या होती है और हाइपोटॉनिक। अब आ जाते हैं आइसोटॉनिक। आइसोटॉनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन और जो इसकी जो आरबीसी में जो फ्लूड है उसकी कंसंट्रेशन, दोनों की यानी प्लाज्मा है, दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है, टोन सेम होती है। टोन मतलब की कंसंट्रेशन, आइसो मतलब की सेम कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको आइसोटॉनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। ये तो हमने जनरल इसका बेसिक कंसेप्ट कर लिया, बेसिक कंसेप्ट आप पहले भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब ये जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है
ठीक है, इसका क्या रोल है इसके अंदर? अब जो बहुत सी जिस तरह से पेरेंटल प्रिपरेशंस होती हैं, ठीक है, ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशंस होती हैं, ठीक है, जैसे इंजेक्शंस होते हैं, पेरेंटल है, पेरेंटल्स में जैसे इंजेक्शंस हो गए, इनकी जो इंजेक्शन अब कहाँ जाते हैं? सीधे ये ब्लड में जाते हैं, ठीक है, ब्लड में जाते हैं, प्लाज्मा में जाते हैं। तो इनकी जो टॉनिसिटी है वो क्या होनी चाहिए? जो ब्लड है, जो प्लाज्मा है जिसके अंदर वो इंजेक्ट किया जा रहा है, वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ब्लड प्लाज्मा का जो टॉनिसिटी है और इसकी टॉनिसिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशंस हैं, जैसे आईज में इंस्टॉल कर रहे हैं, आईज में इंस्टेंट कर रहे हैं, या फिर नोज में नेजल ड्रॉप्स यूज कर रहे हैं, उन वो भी उस सिक्रीशंस के साथ, जैसे नोज की सिक्रीशन है उसके साथ, उस फ्लूड के साथ वो आइसोटॉनिक होनी चाहिए। अदरवाइज वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि इरिटेशन वगैरह कॉज कर सकते हैं। आइज में लक्राइमल सिक्रीशन होता है, उसके साथ भी जो भी प्रिपरेशन हम यूज कर रहे हैं उनकी उस फ्लूड के साथ, लक्राइमल सिक्रीशन के साथ वो क्या होना चाहिए? आइसोटॉनिक होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम इंजेक्शन यूज करते हैं, जो रेड ब्लड सेल होते हैं, अगर मान लो सॉल्यूशन है, अगर हाइपरटॉनिक है या हाइपोटॉनिक है, तो उसके कारण क्या होता है, वो जो आरबीसीज हैं वो स्वेल भी कर सकते हैं, उनकी श्रिंकेज भी हो सकती है, ठीक है, तो जो प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। इसलिए जो इंजेक्शंस होते हैं या पेरेंटल प्रिपरेशन जो यूज़ की जाती हैं वो क्या होनी चाहिए? आइसोटॉनिक होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो सॉल्यूशंस होते हैं दो तरह के होते हैं, सॉल्यूशंस की बात करें तो ये एक तो आइसोटॉनिक हो गया, और एक हो गया नॉन आइसोटॉनिक, आइसोटॉनिक, ठीक है, जिसको पैराटॉनिक भी कहते हैं, पैराटॉनिक, ठीक है। अब इसमें आपको दो बता दिए कि दो इसके सॉल्यूशन हो गए, एक तो हाइपरटॉनिक, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, नेक्स्ट हो गया हाइपोटॉनिक, हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो गए। अब आपको इसकी जो जनरल है कंसेप्ट आपको बता दिया, आप पहले भी प्लस टू में भी ये पढ़ के आए हैं, हाइपरटॉनिक हाइपोटॉनिक के रिगार्डिंग पहले पढ़ के आए इस कंसेप्ट को। इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है, ठीक है, इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या होता है? लो होता है, ठीक है। हाइपर मतलब कि ज़्यादा, हाइपो मतलब कि कम, ठीक है, टोनिक मतलब कि इसकी टोन यानी कंसेंट्रेशन। ये हो गया सॉल्यूशन के टाइप्स, दो तरह के टाइप्स हो गए, एक तो आइसोटॉनिक हो गया, नॉन आइसोटॉनिक हो गया, ठीक है। नॉन आइसोटॉनिक को पैराटॉनिक भी कहते हैं, दो तरह की टर्म्स आ जाती है इसमें, हाइपरटॉनिक एंड हाइपोटॉनिक। हाइपरटॉनिक में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, हाइपोटॉनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर कंपैरेटिवली टू हाइपरटॉनिक कम होता है, और जो आइसोटॉनिक है, आइसो मीन्स सेम, सेम होता है, इसमें जो कंसंट्रेशन होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो भी ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशंस हैं, जो भी ब्लड रिलेटेड जो प्रिवेंटर्स यूज कर रहे हैं, इंजेक्शंस यूज कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? वो आइसोटॉनिक होनी चाहिए उस सिक्रीशन के साथ, वो जिसमें भी जो आप सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पैराटॉनिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पैराटॉनिक होने से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपको बताया, श्रिंकेज भी कर सकते हैं या फिर स्वेलिंग भी कर सकते हैं, किसकी? रेड ब्लड सेल्स की। उसके बाद अब इसको इसमें क्या होते हैं, जो 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है ना, NaCl, ये क्या होता है? ये प्रैक्टिकली आइसोटॉनिक होता है, आइसोटॉनिक विथ ब्लड प्लाज्मा,
ठीक है, या आइसोटोनिक होता है। अगर मान लो ये NaCl इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा, ठीक है, अगर ये कंटेन करता है मोर देन 0.9% ऑफ NaCl, कोई भी सॉल्यूशन ये कंटेन करता है इतना मोर देन, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरटॉनिक हो जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अगर ये कंटेन करता है एंड कोई भी सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस देन 0.9% ऑफ NaCl, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन, हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन, ठीक है। प्रैक्टिकली इस तरह से हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, 0.9% ही इसको कंसीडर किया जाता है NaCl को, मतलब कि इसमें अब इसकी कैलकुलेशंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो प्रैक्टिकली जो NaCl है ये किसके इक्वलेंट है, ये ब्लड प्लाज्मा के इक्वल है, ब्लड प्लाज्मा की टोनिसिटी है उसके इक्वल है, जैसी ब्लड प्लाज्मा की टोनिसिटी होती है वैसी होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल है, कुछ कैलकुलेशंस है, जो इंजेक्टेबल्स होते हैं इंजेक्टेबल्स के बेस पे इसको दो कैटेगरी में, अगर मान लो हाइपरटॉनिक है, सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटॉनिक है तो इसको क्या कर दिया जाएगा, डाइल्यूट कर दिया जाएगा। हाइपोटोनिक है तो इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस डाला जाएगा जो कि उसको क्या कर सके, उसकी जो टोनिसिटी है उसको एडजस्ट कर सके। आइसोटोनिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिपरेशन को, अगर आपको कोई भी प्रिपरेशन, चाहे वो इंजेक्टेबल्स है, चाहे वो थैलेमिक प्रिपरेशन है, कोई भी प्रिपरेशन है जो कि डायरेक्टली हमारे ब्लड फ्लू, हमारे ब्लड के साथ कंटेक्ट में आती है या फिर हमारे बॉडी फ्लूड्स के कंटेक्ट में आती है, वो आइसोटोनिक होनी चाहिए। अगर वो हाइपरटॉनिक है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसकी डाइल्यूशन कर दी जाएगी। अगर वो हाइपोटॉनिक है तो उसमें कुछ इनर्ट सब्सटेंस डाला जाएगा जिसके कारण उसकी टॉनिसिटी को एडजस्ट किया जाए, ठीक है। अब इनके एडजस्टमेंट के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल है, कुछ कैलकुलेशंस हैं, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं, इसको हम लिख सकते हैं कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एडजस्टमेंट ऑफ टॉनिसिटी, इसके बेस पे कैलकुलेशन है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ आइसोटॉनिसिटी, टॉनिसिटी या फिर एडजस्टमेंट ऑफ आइसोटॉनिसिटी, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड है कई मेथड। सबसे पहला मेथड है फ्रीजिंग पॉइंट की एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट, पॉइंट मेथड। इस मेथड को क्रायोस्कोपिक मेथड भी कहते हैं, इसको क्रायोस्कोपिक मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। बेस्ड ऑन मॉलिकुलर वेट मेथड, ठीक है, और कौन सा होता है, कंपैरिजन विद NaCl सॉल्यूशन, इसके साथ कंपैरिजन करना, और एक आ जाता है ग्राफिकल मेथड, ये
चार मेथड होते हैं, ठीक है, इसको जो टॉनिसिटी की एडजस्टमेंट में कैलकुलेशन में यूज होते हैं फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ आइसोटॉनिसिटी के लिए। इसमें आ जाता है एक तो फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, इसको क्रायोस्कोपिक मेथड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ड अपॉन द मॉलिकुलर कंसंट्रेशन, मॉलिकुलर कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन विद एनर्जी एंड सॉल्यूशन एंड ग्राफिकल मेथड, जिसमें से ये चारों में से, इन चारों मेथड में से आपके सिर्फ ये वाला मेथड, एक तो फ्रीजिंग पॉइंट मेथड जिसको क्रायोस्कोपिक मेथड कहते हैं और मॉलिकुलर कंसंट्रेशन, ये ही मोस्टली कवर होते हैं, ये वाले कवर नहीं होते। जिसमें से इन दोनों में से भी फ्रीजिंग पॉइंट मेथड है, इस पे ये इम्पोर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, तो इनको वन बाय वन करके दोनों देखेंगे। जो मॉलिकुलर का जो बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसमें सबसे पहले फॉर्मूला क्या आ जाता है, इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू 0.52 माइनस a अपॉन b, ठीक है। ये फॉर्मूला है फ्रीजिंग पॉइंट मेथड और क्रायोस्कोपिक मेथड का, ठीक है। अब इसमें जो बेस्ड ऑन मॉलिकुलर कंसंट्रेशन पे बेस्ड है, इसमें फॉर्मूला आ जाता है x इज इक्वल टू 0.03 अपॉन इंटू एम अपॉन में एन, ठीक है। ये इनके दोनों के फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को अगर हम आगे देखें कि इसमें ए बी और एम एन क्या है, ये हम आपको डिटेल में करवाते हैं। सबसे पहले तो x क्या है, x क्या है, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम, जितनी रिक्वायर्ड है एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस नीड, कितनी जरूरत है उसको, कितने परसेंटेज की जरूरत है। उसके बाद ये आ जाता है ए, ए क्या है, जितनी जो अनएडजस्टेड सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट मेथड है ना, तो इसको फ्रीजिंग पॉइंट से ही सॉल्व किया जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अनएडजस्टेड सब्सटेंस, जिसमें क्या होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट जिसका सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट एडजस्ट करना है, कैसे एडजस्ट करना है, उसमें कुछ इनर्ट सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट एडजस्ट करके इस फॉर्मूला में पुट करके, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद ए के बाद अपॉन में बी, बी क्या है, बी इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टेड सब्सटेंस, ठीक है, ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। उसके बाद 0.5, ये क्या चीज है 0.5, ये ब्लड प्लाज्मा का फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, जो कि सब में सेम रहता है, इसलिए ये न्यूमेरिकल में दे रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बता रखा है, अब पहले हम यही फ्रीजिंग पॉइंट वाले करते हैं, उसके बाद हम मॉलिकुलर कंसंट्रेशन पे बेस्ड करेंगे, इसको न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ मैं। आपको जैसे एक न्यूमेरिकल लिखा हमने, दे रखा है
कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू मेक अ 1% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड आइसोऑस्मोटिक विथ ब्लड प्लाज्मा इसमें गिवन क्या है आपको गिवन क्या दे रखा है इसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट को मैं FP लिख रही हूं शॉर्ट फॉर्म में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका 1% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ बोरिक एसिड जो ड्रग है उसका दे रखा है ठीक है कितना दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट इसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको गिवन है 0.288 डिग्री सेल्सियस ठीक है ये आपको गिवन है उसके बाद और क्या गिवन है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl क्योंकि वो ही एडजस्टमेंट के काम में आता है ठीक है ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना दे रखा है इसका फ्रीजिंग पॉइंट इसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है आपको -0.576 डिग्री सेल्सियस ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है इस तरह से आपके क्वेश्चन कवर होंगे कि आपको क्या दे रखा होगा आपको फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा होगा एक तो उसका जिसकी एडजस्टमेंट करनी है जो सबस्टार्स एडजस्ट नहीं है और एक फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा होगा जिस सब्सटेंस को ऐड करके आपने उसको एडजस्ट करना है जो कि आपको फॉर्मूला में बताया था ठीक है अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो एक्स आपको पता है जिस सब्सटेंस को आपने जरूरत है उसको एडजस्ट करने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए उसको एडजस्ट करने के लिए उसके बाद -0.52 डिग्री सेल्सियस -A/B ठीक है ये आपका फॉर्मूला है सिंपल सा इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे सबसे पहले हमें क्या पुट करना है वैल्यू 0.52 डिग्री सेल्सियस माइनस ठीक है अब इसमें क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट लिखेंगे किसका सबसे पहले एडजस्टेड ए है ए क्या अनएडजस्टेड यानी यहाँ पे बोरिक एसिड है इसको एडजस्टमेंट की जरूरत है इस सब्सटेंस को तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0.288 अपॉन में अब इसमें क्या होता है जो एडजस्टेड सब्सटेंस यानी जो इनर्ट सब्सटेंस यूज किया जा रहा है उसको आइसोटॉनिक बनाने के लिए ठीक है तो इसमें क्या आ जाएगा -0.576 ठीक है ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी इस वैल्यू को पुट करने के बाद अगर आप देखोगे आपका आंसर आ जाएगा ठीक है इसको सॉल्व करके और वो आंसर आएगा जैसे कुछ भी है एक्स वाई जेड जो भी है ठीक है ये सपोज कर लो आपका एक्स आंसर आ गया ठीक है या फिर आपके बुक में दे रखा है 0.402% ये किस में आया वेट बाय वॉल्यूम में अब ये आया मतलब कि इतना परसेंटेज उस सब्सटेंस का रिक्वायर्ड है ये किसकी वैल्यू है एक्स की वैल्यू यानी इतना सब्सटेंस ठीक है वेट बाय वॉल्यूम यानी इतने परसेंट ग्राम किसमें इतने वॉल्यूम के अंदर इतने पर 100 ml के अंदर रिक्वायर्ड है ठीक है पर वॉल्यूम है ना तो इसका इतना परसेंटेज रिक्वायर्ड है इतने ग्राम्स ठीक है इस तरह के क्वेश्चंस कवर होते हैं
और इसके कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन है, जैसे एक नेक्स्ट टाइप है इसकी, एक क्वेश्चन और इसका समझाती हूँ जो अलग से इसकी टाइप है, वो है जैसे फाइंड द अमाउंट ऑफ, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द अमाउंट ऑफ NaCl टू रेंडर 100 ml ऑफ थ्री परसेंट वेट बाय वॉल्यूम of solution of sulfazetamide solution isotonic with blood plasma. अब इन क्वेश्चंस में क्या आता है, फॉर्मूला सेम ही लगेगा लेकिन इसमें क्या होती है, स्ट्रेंथ डिफरेंट हो गई. इसमें 1% की जगह क्या आ गया, 3% हो गया वेट बाय वॉल्यूम. तो इसमें फॉर्मूला सेम ही लगेगा, बस आपने उस परसेंटेज को उससे मल्टीप्लाई कर देना है. बाकी इसी फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, x इज इक्वल टू 0.52 माइनस ए अपॉन में बी. ए आपको पता है इसके अंदर ड्रग है, सल्फाजिटामाइड ड्रग है जिसको एडजस्टमेंट करना है, जिस सब्सटेंस की एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है. और बी क्या है, जो NaCl है जो रिक्वायर्ड है इस ड्रग सब्सटेंस के सॉल्यूशन को एडजस्टमेंट के लिए. तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ये दो तरह की टाइप्स हैं. फ्रीजिंग पॉइंट मेथड के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो आइसोटोनिक वाले जो भी कैलकुलेशन है. नेक्स्ट जो हमारा मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन पे बेस्ड होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे.